आदमी के अदृश्य होने का आइडिया बरसों पुराना है, लेकिन इस आइडिया में इतना दम है कि इस पर कई तरह की फिल्में बनाई जा सकती हैं। सारा सवाल आपकी इमेजिनेशन का है। समय समय पर फिल्में भी बनती रही है और विक्रम भट्ट की मिस्टर एक्स इसी पर आधारित है। विक्रम ने आइडिया तो अच्छा लिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने कहानी बुनी वो इतनी लचर है कि दर्शक सिनेमाघर से गायब हो जाना चाहता है। रघुराम राठौर और उसकी गर्लफ्रेंड सिया वर्मा एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी शादी के एक दिन पहले उनका बॉस भारद्वाज दोनों को बुलाता है और बताता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जान को खतरा है। भारद्वाज, तिवारी और आदित्य दत्ता एक षड्यंत्र रचते हैं और रघु को मुख्यमंत्री की हत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हत्या करने के बाद रघु एक केमिकल फैक्ट्री में छिप जाता है, जिसमें भारद्वाज और उसके साथी आग लगाकर विस्फोट कर देते हैं। वे हम मान लेते हैं कि रघु मर गया, लेकिन बुरी तरह जला हुआ रघु किसी तरह बच जाता है। वह अपने साथी पोपो को बुलाता है, जो रघु को एक लेबोरेटरी में ले जाता है। वहां पोपो की बहन एक दवाई रघु को पीने को देती है। रघु ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसे सिर्फ धूप और ब्लू नियॉन लाइट में ही देखा जा सकता है। इधर रघु से सिया नफरत करने लगती है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री का हत्यारा है। रघु अपने बदले के लिए निकल पड़ता है और मिस्टर एक्स बन खलनायक को से बदला लेता है। सिया जान जाती है कि मिस्टर एक्स कौन है और वह भारद्वाज को इस बारे में बता देती है। किस तरह रघु अपना बदला लेता है, यह फिल्म का सार है। विक्रम भट्ट ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है, लेकिन दोनों ही कामों को उन्होंने घटिया तरीके से निपटाया है। विक्रम को लगा कि गायब होने वाला आइडिया और 3D इफेक्ट्स का कमाल देखकर ही दर्शकों को मजा आ जाएगा, लिहाजा उन्होंने जो सूझा वो लिखा और इस बात की परवाह भी नहीं की कि दर्शकों के पास भी दिमाग होता है। साथ ही निर्देशक के रूप में कहानी को ऐसे पेश किया कि कहीं से भी फिल्म मनोरंजन नहीं करती। फिल्म की प्रमुख कड़ियां अत्यंत ही कमजोर है। रघु का अदृश्य होने वाला प्रसंग कहीं से भी ऐसा नहीं है कि दर्शक रोमांचित हो जाए। रघु बुरी तरह जल जाता है, उसके सिर के बाल जल जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके कपड़े सही सलामत रहते हैं। ये बात समझ से परे है कि सिया को रघु ये बात क्यों नहीं बताता कि भारद्वाज ने षड्यंत्र कर उसके द्वारा मुख्यमंत्री की हत्या करवाई है। इससे सिया की सारी गलतफहमी दूर हो जाती और रघु के काम में सिया बाधा नहीं पहुंचाती। इतनी कमजोर नींव पर फिल्म की इमारत रखी गई है। ये सवाल बार बार फिल्म देखते समय परेशान करता रहता है, लिहाजा फिल्म से जुड़ाव महसूस नहीं होता। विक्रम भट्ट का निर्देशन भी कमजोर है। हीरो के अदृश्य होने से पैदा होने वाले रोमांच को दिखाने में वे असफल रहे हैं। फिल्म में ज्यादातर समय हीरो दिखाई देता है और इसी बात से समझ में आ जाता है कि विक्रम कितने कल्पनाशील हैं। फिल्म में एक सीन से दूसरे सीन में जुड़ाव नहीं है। विक्रम द्वारा पेश किए गए किरदार अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। उन्होंने फिल्म को 3D फॉर्मेट में बनाया है, लेकिन यह मात्र पैसे की बर्बादी रही, क्योंकि 3D इफेक्ट्स खास प्रभावित नहीं करते। फिल्म में उन्होंने भगवान कृष्ण और हीरो के साथ होने वाले चमत्कारों को जोड़ने की पचकानी कोशिश भी की है। फिल्म का संगीत थका हुआ है। यही हाल फिल्म के हीरो इमरान हाशमी का है। एक ही एक्सप्रेशन लिए वे पूरी फिल्म में घूमते रहे। अमायरा दस्तूर चिखने और चिल्लाने को ही अभिनय समझती हैं। अरुणोदय सिंह प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। कुल मिलाकर मिस्टर एक्स सिनेमाघरों से गायब होने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 नंबर देता हूँ।